तो हाल ही में आपने देखा होगा कैसे मालदीव्स के संसद में मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, और ताजा मामला ये निकल रहा है कि मालदीव्स के ऑपोजिशन मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइजू के विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये तो गई इनके अंदरूनी मामला, पर अब आते हैं इनके इकोनॉमी को लेकर। अब यहाँ पर मैं इकोनॉमी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी इकोनॉमी तो हमसे ही चलती है। तो खबर ये है कि भारत की रैंकिंग जो पहले नंबर की हुआ करती थी वो अब पांचवें रैंकिंग की हो चुकी है। दोस्तों भारत के सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स के अंदर ही घूमने जाते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में एक आंकड़ा आया है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत के रैंकिंग एक नंबर से गिरकर पांचवें नंबर पर हो गई है और चाइना की रैंकिंग फिलहाल तो तीसरे नंबर पर चल रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये कितनी नीचे गिरी है। आपके सामने एक डेटा चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि 2 जनवरी को क्या आंकड़ा था। 2023 के अंदर भारत और मालदीव्स का विवाद हुआ और 2024 के जनवरी में दोस्तों बॉयकॉट की मुहिम चली, और आप लोग देख रहे हो कि तब की भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर थी। सिर्फ 842 लोग मालदीव्स में घूमने गए थे। फिर दोस्तों आंकड़े निकलते हैं 21 जनवरी के, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत की रैंकिंग पांचवें नंबर पर खिसक गई है और मात्र 9744 लोग ही यहाँ पर घूमने के लिए गए थे, और चाइना की रैंकिंग हाल फिलहाल में 10113 के साथ चौथे नंबर पर चल रही है। लेकिन अगर पिछले साल 2023 के आंकड़े को देखें, जो कि ठीक इसके साइड में चल रहा है, तो भारत कभी पहले नंबर 1 पे चल रहा था, वही दूसरे नंबर पर थे रशिया और तीसरे नंबर पर थे चाइना। तो एक डेवलपमेंट निकल के आया दोस्तों, जिसे पता लग रहा है कि अभी तो एक ही महीना हुआ है नया साल का और अभी तो पूरा साल पड़ा है, और पूरे साल के अंदर क्या नया रंग देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यही सारी बातें हैं जिसको देखकर मालदीव्स के मंत्रियों के होश उड़ गए हैं कि मालदीव्स की जो नई सरकार आई है उसने आखिरकार स्टेप लेकर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, क्योंकि एक तो भारतीय टूरिस्ट मालदीव्स घूमने नहीं जा रहे हैं और दूसरी तरफ मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति है उन्होंने भारतीय सेना को अपने देश से ही निकलने का ऑर्डर दे दिया है। तो यही सारी जो बातें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो आज सामने निकल कर आई है।